दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का एक ऐसा बैंक है जिसका सबसे बड़ा कस्टमर बेस है। अब चाहे आप सेविंग्स अकाउंट उठा लो, चाहे आप करंट अकाउंट उठा लो, या कोई भी ऐसा बैंकिंग प्रोडक्ट आप उठा लो, सबसे बड़ा कस्टमर बेस आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही मिलेगा। ऐसे में अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो आज की डेट में ज्यादा नहीं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट जब आप विजिट करोगे वहां पे आपको ज्यादा नहीं तो 25-30 अलग अलग तरह के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है। तो ऐसे में जहां इंडिया का एक मेजर पॉपुलेशन अगर हम बैंकिंग की बात करें तो ज्यादातर लोगों का बहुत सारे लोगों का अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है। तो ऐसे में लोगों को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि अगर उनको एक ब्लाइंड ट्रस्ट है स्टेट बैंक के ऊपर और उन्हें अगर एक क्रेडिट कार्ड परचेज करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परचेज करें। क्योंकि जब वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं और वहां जब क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में जाके देखते हैं तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। अब क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं, मैं कहूंगा कि अगर 20-30 क्रेडिट कार्ड SBI ऑफर कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि सारे क्रेडिट कार्ड्स खराब है और उनमें से सिर्फ 2-3 क्रेडिट कार्ड्स ही अच्छे हैं। देखो, कोई क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है, मान लीजिए एक क्रेडिट कार्ड के पोर्शंस की बात करें तो कोई क्रेडिट कार्ड हो सकता है कि एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस अच्छा देता हो, तो कहीं दूसरा क्रेडिट कार्ड जो है वो रेलवे के बेनिफिट्स अच्छे देता हो सकता है, कोई क्रेडिट कार्ड आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, तो कोई क्रेडिट कार्ड आपको ऑनलाइन कोई परचेज करने में बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देता है। तो क्रेडिट कार्ड हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या नीड है। तो देखो, जो बैंक है वो अपनी तरफ से तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ऑफर कर देता है कि एक क्रेडिट कार्ड मान लीजिए जिसका नाम A है, ये अलग तरह के फीचर्स दे रहा है, B अलग तरह के फीचर दे रहा है, लेकिन आपकी क्या नीड है, आपका क्या पर्पस है कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, उस पर्पस को देखते हुए आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है। अब इस वीडियो में हम टोटल SBI के 4 क्रेडिट कार्ड्स डिस्कस करेंगे, यानी ये जो 4 क्रेडिट कार्ड हैं ये मैंने ऐसे ही नहीं उठा लिए, ये बहुत रिसर्च करके मैंने उठाए हैं। ये जो टोटल 4 क्रेडिट कार्ड हैं ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है। लेकिन इस वीडियो के एंड में जो हम क्रेडिट कार्ड डिस्कस करेंगे वो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड है अगर हम SBI क्रेडिट कार्ड्स की बात करें। तो इस वीडियो में हम इन 4 क्रेडिट कार्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये चारों क्रेडिट कार्ड साल 2023 के सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाले क्रेडिट कार्ड हैं, क्योंकि 2022 में भी इन क्रेडिट कार्ड्स की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। इन क्रेडिट कार्ड के यानी चारों ही क्रेडिट कार्ड के जो अप्लाई करने के लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले आप इस पूरी वीडियो में समझो कि किस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि जो लास्ट में क्रेडिट कार्ड मैं आपको बताऊंगा वो जनरली मेरा एक सुझाव आपको रहेगा, पर जरूरी नहीं है कि आपको वही क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। आपकी क्या नीड है पहले आप उसको देखो, हर क्रेडिट कार्ड के फीचर देखो। हो सकता है कि आपकी नीड तो है अमेजोन पे ज्यादा शॉपिंग रहती है और मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि आप जो है ऑफलाइन शॉपिंग वाला क्रेडिट कार्ड ले लो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी क्या नीड है वो फीचर देखो कि आपकी नीड किस क्रेडिट कार्ड में फुलफिल हो रही है, फिर अपने हिसाब से वो क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करो। चारों ही क्रेडिट कार्ड के जो अप्लाई करने के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपनी सूझबूझ से कोई भी क्रेडिट कार्ड जो भी आपको चाहिए वो आप अप्लाई करो। तो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका नाम है SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। अब SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड जिसकी ज्वाइनिंग फीस है 499 रुपये और वहीं दूसरी तरफ एनुअल फीस भी आपको 499 रुपये पे करनी है। अब ये जो फीस है ये कोई ज़्यादा फीस नहीं है, क्योंकि आप आज की डेट में कोई भी क्रेडिट कार्ड उठा के देख लो, 500 रुपये या 1000 रुपये ये बहुत ही कॉमन है। बाकी अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो आपकी एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस है ये भी आप कैसे माफ़ करवा सकते हो। अब SBI सिंपली सेव जो क्रेडिट कार्ड है, अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर रोकना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी ये चारों क्रेडिट कार्ड्स हैं इस वीडियो में तो हम साल 2023 के जो 4 SBI के बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं उनका एक कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो ये जो क्रेडिट कार्ड हैं ये एक एक करके मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप वीडियो सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको सर्च करना है SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड तो आप यूट्यूब पे लिख सकते हो SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, ब्रैकेट में आप चैनल का नाम डाल देना XYX एजुकेशन, तो डिटेल अगर आपको वीडियो देखनी है इन टॉपिक्स के ऊपर तो वो डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। बाकी इस वीडियो में तो हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, तो इसमें हम ऊपर से कंपैरिजन करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाके कंपैरिजन नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो फिर एक घंटे से भी ऊपर की बन जाएगी अगर डीप में जाके कंपैरिजन करेंगे। तो मेरी पर्सनल सुझाव आपको ये है कि आप पहले अपने लिए इन चारों में से एक बार इनके फीचर देख लो ऊपर से सारे के सारे, और आपको जो लगेगा कि जो क्रेडिट कार्ड आपको लेना है अपने लिए या फिर जिसके फीचर्स आपके हिसाब से सूट करेंगे, फिर उस क्रेडिट कार्ड की
पूरी जो डिटेल वीडियो है फिर वो आप जा करके देख सकते हो। ऐसे मतलब चारों की चारों डिटेल वीडियो भी देखने की आपको जरूरत नहीं है, तो जो क्रेडिट कार्ड आपको लगेगा आपके लिए सुटेबल है उसकी वीडियो आप देख सकते हो। तो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड की हम बात कर रहे थे, तो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको एक तरह से, अगर इसका जो मेन फीचर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका जो खर्चा है वो या तो डाइनिंग पे है, यानी किसी रेस्टोरेंट में जाके कहीं डाइनिंग अगर आप करते हो वहां पे है, या मूवीज देखने में आपके ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, या फिर ग्रोसरीज या फिर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके आपके पैसे खर्च होते हैं, तो उस केस में तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है। अगर इसके अलावा कोई आपके खर्चे हैं तो फिर ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि डाइनिंग, मूवीज, ग्रोसरी या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके अगर आप 150 रुपये खर्च करते हो तो उस केस में आपको ये 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। अभी इस केस में SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, मेजर जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर है। तो 150 रुपये आपने खर्च किए तो इसके बदले आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले, यानी 250 रुपये मिल गए, यानी 150 रुपये खर्च करने पर आपको 250 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। तो एक तरह से ऑलमोस्ट 1.5% का कैशबैक आपको मिल जाएगा। तो 1.5% का कैशबैक, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कैशबैक है, लेकिन अगर आपके खर्चे डाइनिंग, मूवीज़, ग्रोसरी या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में है, तब ये क्रेडिट कार्ड अच्छा है कि जो भी आप खर्चा कर रहे हो आपको 1.5% का कैशबैक मिल रहा है और कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर इसके अलावा कोई खर्चा है तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेकार है। इवन आप इसके आगे की फीचर भी नहीं सुनोगे, इसको स्किप भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इसके आगे के फीचर ये हैं कि अगर मान लीजिए आपके खर्चे इनके अलावा, यानी डाइनिंग, मूवीज, ग्रोसरी या डिपार्टमेंटल स्टोर के अलावा अगर कोई खर्चे हैं तो 100 रुपये खर्च करने पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 0.25 रुपीज के बराबर है, यानी 25 पैसे के। तो 100 रुपये खर्च करने पे आपको 0.25% का कैशबैक मिल रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम कैशबैक हो गया। इसके अलावा ये लोग बोलते हैं कि 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल रहा है, ये तो मतलब अगर कोई बैंक कल भी खुला है तो वो भी ये वाला ऑफर आपको दे ही देता है। और इसके अलावा जो आप ये एडिशनल जो फीचर है वो ये देता है कि आपको जो एनुअल फीस जो आप पे कर रहे हो वो एनुअल फीस आपकी माफ़ हो सकती है अगर आप साल में 1,00,000 रुपये खर्च कर लेते हो। तो अब ये ठीक है, एनुअल फीस इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि हम इतना ज़्यादा प्रेशर लें, बाकी अगर आप साल में 1,00,000 रुपये खर्च कर देते हो तो आपकी जो एनुअल फीस है वो भी माफ़ हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि आप जब भी ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे अगर उसके 60 डेज के अंदर अंदर 2,000 रुपये खर्च कर देते हो तो आपको 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत आसान है, अगर मान लीजिए जैसे आपके पास ये क्रेडिट कार्ड आ गया तो 2,000 रुपये आप खर्च कर दो 60 डेज के अंदर अंदर तो आपको 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर है, यानी आपको 500 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे आपकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो तो आप कंप्लीटली वेव ऑफ करवा ही लोगे एक तरह से, क्योंकि 500 रुपये ही ज्वाइनिंग फीस देनी है, 500 रुपये आप यहाँ से कैशबैक अर्न कर लोगे, तो ज्वाइनिंग फीस तो आपकी कंप्लीट एक तरह से पूरी हो गई। और एनुअल फीस माफ करानी है तो फिर आपको फिर 1,00,000 खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड क्रेडिट कार्ड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। पहले वाला था सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, ये है सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। अब सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का एक ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं तो ये लोग कैसे काम करते हैं, इन्होंने यानी सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड ने कुछ पार्टनर ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है, यानी SBI ने अपने कुछ 7-8 पार्टनर ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है। ये लोग बोलते हैं कि अगर आप इन पार्टनर ब्रांड से अगर कोई भी सामान परचेस करते हो तो हम आपको ज़्यादा कैशबैक देंगे। अभी पूरा प्रोसेस बताऊंगा कितना कैशबैक मिलेगा, तो ये चीज़ बस समझ लो कि इनके जो पार्टनर ब्रांड्स हैं, ये जो 7-8 ब्रांड्स हैं, अगर आप इनसे सामान परचेस करते हो तब तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अगर आपका खर्चा इन ये जो पार्टनर ब्रांड्स हैं इनके साथ आपका कोई लेना नहीं देना नहीं, तो इस केस में फिर आप इस क्रेडिट कार्ड को भी रिजेक्ट कर सकते हो। SBI सिंपली क्लिक के जो पार्टनर ब्रांड्स हैं वो है Amazon, अपोलो 24/7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, ईजी डिनर, लेंस कार्ट और नेटमेट्स। अगर आपको लगता है कि इन पार्टनर ब्रांड्स, ये जो SBI के पार्टनर ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड्स से अगर आपको कोई ना कोई लेन देन पड़ता है और अगर आपको लगता है कि आपका अच्छा खासा खर्चा है इन ब्रांड्स के साथ, तब तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत बढ़िया आपके लिए, आप इन्हें इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो, क्योंकि इससे जो भी आप खर्चा करोगे 100 रुपये का, पीछे देखो अब यहाँ बहुत ध्यान से समझना, सिंपली सेव में था कि 150 रुपये खर्च करने पर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है 100 रुपये ही खर्च करने पर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा, तो 100 रुपये खर्च करने पर आपको 250 रुपये मिल जाएंगे, यानी एक तरह से जो भी सामान इन ब्रांड से खरीदोगे सीधा सीधा इनडायरेक्ट बात यह है कि आपको 2.5% का कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड ये बोलते हैं, अच्छा इस क्रेडिट कार्ड में ये जो 2.5% का कैशबैक मिल रहा है इन ब्रांड्स पर, इसकी कोई अपर लिमिट भी नहीं है, तो ये अच्छा
ऑप्शन है क्योंकि अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। तो कई कई जगह होता है कि 5% कैशबैक मिल रहा है लेकिन अपर लिमिट मिल जाती है, तो ये अच्छा ऑप्शन है कि अपर लिमिट नहीं है, आपको 2.5% का कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप सोचते हो कि इन ब्रांड से आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया लेकिन आपका कुछ खर्चा इन ब्रांड्स के अलावा भी है, तो उस केस में 100 रुपये अगर आप खर्च करोगे तब आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ऑनलाइन अगर आप खर्च करते हो 100 रुपये इन ब्रांड्स के अलावा तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी 100 रुपये खर्च करने पर 1.25 रुपया का कैशबैक मिल रहा है, यानी 1.25% का आपको कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा अगर ऑफलाइन स्पेंड करोगे तो 100 रुपये खर्च करने पर सिर्फ 1 ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ज्वाइनिंग फीस सेम 499 रुपये और एनुअल फीस भी आपकी 499 रुपये ही है। इसके अलावा एक ज्वाइनिंग बेनिफिट ये लोग देते हैं कि आपका जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे ना तो आपको एक अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा 500 रुपये का, तो उस गिफ्ट वाउचर को आप 12 महीने कभी भी यूज कर सकते हो। तो ये एक इसका बेनिफिट हो जाता है कि आप एक तरह से जो भी ज्वाइनिंग फीस भर रहे थे 499 रुपये उसके बदले आपको एक तरह से 500 रुपये का अमेजोन का वाउचर ही मिल गया, तो आपकी ज्वाइनिंग फीस तो यहीं पर ही पैसे पूरे हो जाते हैं। और इसके अलावा ये लोग बोलते हैं कि अगर आप साल में 1 लाख रुपए खर्च कर लेते हो तब आपको क्लियर ट्रिप का वाउचर मिलेगा। अब क्लियर ट्रिप एक कंपनी है जहां से आप फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग ये सारी चीजें कर सकते हो, तो वहां पे आप 1 लाख रुपए अगर आप मतलब ज्यादा ही अमाउंट हो जाता है तो इस बेनिफिट को कंसिडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ये हर इंसान की पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बट मेरा फर्ज था आपको बताना इसका बेनिफिट कि 1 लाख रुपए खर्च करने पर आपको 2000 रुपए का क्लियर ट्रिप का वाउचर मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो एनुअल फीस है वो भी पूरी माफ कर दी जाएगी अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करोगे, यानी 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको 2000 का क्लियर ट्रिप का वाउचर तो मिलेगा ही, साथ में एनुअल जो आपकी फीस है वो भी पूरी माफ कर दी जाएगी। इसके बाद जो तीसरा क्रेडिट कार्ड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है SBI इलाइट क्रेडिट कार्ड। अब ये जो इलाइट क्रेडिट कार्ड है SBI का, ये ज्यादातर मतलब इलाइट इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि जो थोड़े से हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड है। अब ये क्रेडिट कार्ड सिंपली ये बोलता है कि जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, अप्लाई करते के साथ ही आपको 5000 रुपये का एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा। अलग अलग ब्रांड्स हैं, अभी मैं आपको सारे ब्रांड्स बताऊंगा, वो उनमें से आपको एक ब्रांड सेलेक्ट करना है, यानी एक पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना है ब्रांड का, वो उसी ब्रांड से फिर आप ये 5000 रुपये का जो आपको कूपन मिलेगा उसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड अच्छा है अगर आप मान लीजिए यूजुअली यूज करते हो कि एक तरह से आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस चाहिए, चाहे तो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, मान लो आप बहुत ज्यादा बाहर घूमने फिरने के शौकीन हो और आपको एक इंटरनेशनल मान लो आपको टूर करना है, उस केस में आपको चाहिए कि इंटरनेशनल लॉन्च का एक्सेस चाहिए, या फिर डोमेस्टिक भी इंडिया में ही मान लो आपको आपकी दिल्ली से फ्लाइट है, मान लीजिए आपकी दिल्ली से दुबई के लिए फ्लाइट है, तो आपको चाहिए दिल्ली में भी लॉन्च का एक्सेस मिल जाए और दुबई में भी जो एयरपोर्ट पे है लॉन्च का एक्सेस मिल जाए। तो ऐसी अगर आपकी लाइफ है कि आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो, आई मीन आपका जो है एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट रहता है, तो उस केस में ये क्रेडिट कार्ड ठीक है। लेकिन अगर आपका एरोप्लेन से कोई लेना नहीं देना नहीं, साथ ही अब 5000 का वाउचर मिल रहा है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन 5000 का वाउचर मिल रहा है तो ब्रांड्स भी आपको पता है कि फिर इनके अच्छे अच्छे जो एकदम ब्रांडेड कपड़े ही आपको लेने पड़ेंगे उस 5000 रुपये से, तो आपको लगता है कि मैं क्यों 2500 रुपये की जैकेट लूँ जब मैं 500 रुपये की मेरी तरह आप 500 रुपये की एक जैकेट खरीद सकते हो दिल्ली के पालिका बाजार से, तो आप क्यों फिर मतलब यहाँ पे आपको इतने से ब्रांडेड कपड़े लेने हैं। तो अगर आपके कोई शौक नहीं है ब्रांडेड कपड़े लेने के और कोई आपका लेना नहीं देना नहीं एयरप्लेन में ट्रैवल करने से, तो फिर आप इस क्रेडिट कार्ड को इग्नोर करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्रांडेड कपड़े तो आपको लेने हैं और आपको एयरपोर्ट में अगर मान लीजिए आपको ट्रैवल करना है और फ्रीक्वेंट आपका एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस रहता है, तो फिर उस केस में ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा है। अब यहां पर SBI इलाइट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपको विद इन 15 डेज ही अप्लाई करते के साथ ही 15 डेज के अंदर अंदर ही ये 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। अब यहां पे जो टोटल ब्रांड्स हैं 3 ऑप्शन देते हैं, या तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप शॉपिंग कर सकते हो पेंटालून से, शॉपर स्टॉप से, हश पपीज या बाटा से, दूसरा ऑप्शन ये देता है कि आप यात्रा से या शॉपर स्टॉप से शॉपिंग कर सकते हो, और तीसरा ऑप्शन देता है आदित्य बिरला का जो ये रिटेल वाउचर आपको देगा, इसके अंदर जो आपको ब्रांड्स मिलेंगे वो मिलेंगे लुइस फिलिप, वैन हुसैन, एलेन सोली, पेटर इंग्लैंड या फिर प्लैनेट फैशन। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इन 3 ऑप्शन में से एक पूल आपको सेलेक्ट करना है और उस पूल के अंदर ही उन्हीं ब्रांड से फिर आप इस 5000 रुपये का जो ये आपको वाउचर मिला है उसे आप यूज कर सकते हो। ये तो था इसका एक तरह से ज्वाइनिंग बेनिफिट, आप इसे कह लो कि आप जैसे इसे ज्वाइन करोगे तो आपको ये 5000 रुपये आप इसमें से किसी भी ब्रांड के साथ खर्च कर सकते हो। तो उसके अलावा अब जो इसके एडिशनल फीचर है वो ये है कि मूवीज जो लोग देखना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, मतलब एक तरह से लोगों को शौक है मूवी देखने का, तो ये बोलता है कि आपको हर महीने हम 2 मूवी टिकट्स फ्री देंगे। अब 2 मूवी टिकट्स में इनकी टर्म एंड कंडीशन ये रहती है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको 250 रुपये का डिस्काउंट देंगे पर टिकट के ऊपर, ठीक है। तो मतलब एक तरह से महीने में आप 500 रुपये बचा सकते हो यहाँ पे, और 12 महीने हर महीने आपको 2 मूवी
मूवी टिकट्स फ्री मिलेंगे, तो मूवी देखने के शौकीन हो तो अच्छी बात है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम आपको ना माइलस्टोन बेनिफिट भी देंगे। अब माइलस्टोन बेनिफिट में ये लोग बोलते हैं कि हम आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे। 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी 2500 रुपए के बराबर हो गए ये, अगर आप एक तरह से साल में 3,00,000 से लेके 4,00,000 रुपए के बीच में कोई भी अमाउंट, मतलब 3,00,000 से ऊपर ही कह लो आप, अगर स्पेंड कर देते हो तो हम आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे। अब ये ना बहुत डीप में पूरी वीडियो आप देख लेना, उसमें एक वर्टिकल बना रखा है कि 4,00,000 से ऊपर अगर आप स्पेंड करोगे तो रिवॉर्ड पॉइंट्स और बढ़ते जाएंगे, यानी ये स्लैब 3,00,000 से शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको डीप में देखना है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में तो डिटेल भी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो भी आप सर्च कर लेना SBI इलाइट क्रेडिट कार्ड ब्रैकेट में चैनल का नाम यानी XY एक्सिस एजुकेशन आप लिख लेना तो आपको ये पूरा का पूरा वो भी मिल जाएगा। दोस्तों एक बार बीच में आपको रोक रहा हूं, अगर आपको अभी तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद इसके जो अगले फीचर्स है यानी इसका जो रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है वो कुछ ऐसे काम करता है कि SBI इलाइट क्रेडिट कार्ड सिंपली ये बोलते हैं कि अगर आप 100 रुपये खर्च करते हो, कहाँ पे खर्च करते हो अब इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से सुनना, 100 रुपये अगर आप खर्च करते हो डाइनिंग पर, डिपार्टमेंटल स्टोर पर या ग्रोसरीज पर, सेम वैसा ही हो गया ये जैसा SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स, यानी एक तरह से ये मान लो कि SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था उसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 100 रुपये खर्च करते हो तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी एक रिवॉर्ड पॉइंट 25 पैसे के बराबर, तो 100 रुपये खर्च करने पे आपको 1.25% का कैशबैक मिलेगा। ऐसे ही अगर आप इस पे यानी डाइनिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर और ग्रोसरी पे स्पेंड नहीं करते, या फिर इसको छोड़ दो एक बार के लिए, इसके अलावा कहीं पे भी खर्च करते हो तो उस केस में फिर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 रुपीज के बराबर है, तो यानी 100 रुपये खर्च करने पे आपको 0.50% का ही कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की बात करें तो इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस के अंदर आपको हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिल जाएंगे, और ऐसे ही हर क्वार्टर में 2 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिल जाएंगे। तो वही मैंने आपको बताया कि लॉन्च एक्सेस में बहुत बेनिफिशियल है। अब इसकी फीस की बात करें तो ये थोड़ा सा काफ़ी लोगों को शॉकिंग लगेगी, इसकी जो फीस है वो है 4,999 यानी 4,999 रुपये, तो ये थोड़ी ज़्यादा फीस है। लेकिन अगर हम इसके गौर से बेनिफिट्स देखें तो स्टार्टिंग में इसने आपको 5,000 रुपये का वाउचर भी दे दिया, एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस भी प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में अगर आप बहुत मतलब मैंने पहले ही बताया था कि एलाइट लोगों के लिए ही है, तो इसीलिए अगर हम इसकी बात करें तो रिवॉर्ड पॉइंट्स में भी दे रहा है, एक तरह से बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहा है, 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अगर आप 3,00,000 खर्च रहे हो, उसके आगे भी इन्होंने स्लैब बनाई हुई है, तो एक तरह से पैसे तो ज्यादा ले रहे हैं लेकिन बेनिफिट्स भी उतने ही है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप फ्रीक्वेंट प्लेन में ट्रैवल करते हो तब तो ये बहुत अच्छे है, क्योंकि जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं उन्हें पता है कि एयरपोर्ट लॉन्च का जो एक्सेस है डोमेस्टिक, तो फिर आपको 1,200-1,500 ज्यादा से ज्यादा 2,000 का मिल जाएगा लॉन्च का एक्सेस, लेकिन इंटरनेशनल जब आप ट्रैवल करते हो तो वहां पे काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं लॉन्च के एक्सेस। तो उस केस में अगर आपको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही लॉन्च का एक्सेस दे रहा है तो उस केस में फिर जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं उन्हें पता है कि 4,999 रुपए बहुत ज्यादा फीस इसकी नहीं है, क्योंकि जो ये बेनिफिट्स दे रहा है वो बहुत हाई है। अब इसके बाद जो लास्ट क्रेडिट कार्ड 2023 का और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड है उन लोगों के लिए जो एक कॉमन मैन है, यानी जिनका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है लेकिन उन्हें पैसा चाहिए एक तरह से कैशबैक के फॉर्म में, तो ये क्रेडिट कार्ड सिंपली ये बोलता है, पहले तो इस क्रेडिट कार्ड का नाम है SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड सिंपली ये बोलता है कि आप ऑनलाइन कोई भी सामान परचेज करो, आप चाहे अमेजोन से परचेज करो, चाहे फ्लिपकार्ट से करो, चाहे कहीं से भी करो, आप बस ऑनलाइन सामान परचेज करो, जो भी सामान आप परचेज करोगे उस पर मैं आपको 5% का कैशबैक दूंगा। अब 5% का कैशबैक कोई भी सामान, कोई भी वेबसाइट, कहीं से भी करो, 5% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक 5% तभी देगा कि अगर आप एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये ही खर्च कर सकते हो तो ही 5% कैशबैक मिलेगा। अगर आप 10,000 के ऊपर जा रहे हो तो ऊपर की अमाउंट पर आपको फिर 1% कैशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये क्रेडिट कार्ड एक मेरे जैसे कॉमन इंसान के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि 10,000 रुपये मैं तो नहीं खर्च करता देखो अपने क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। 10,000 रुपये मैं खर्च, मतलब आप इमेजिन करो, बहुत कम लोग हैं जो 10,000 से ज़्यादा हर महीने खर्च कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से। अगर आपका बहुत ज़्यादा ही खर्चा है, मान लो आपका अमेजोन से 1,00,000 रुपये का या 2,00,000 रुपये का खर्चा है हर महीने और आपको अमेजोन से कैशबैक चाहिए, तो फिर आप इसको छोड़ो ना, इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, फिर आप ICICI अमेजोन क्रेडिट कार्ड ले लो, उस पर आप अमेजोन से, सिर्फ अमेजोन पे आपको मिलेगा। ऐसे ही अगर आपका फ्लिपकार्ट पे खर्चा है 2,00,000-3,00,000 रुपये का हर महीने ऑनलाइन खरीदते हो आप सामान, तो फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ले लो, आपको 5% कैशबैक मिलेगा। लेकिन SBI का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ये अलग इसलिए है क्योंकि इसमें आपको ऑनलाइन
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑनलाइन। आप चाहे पप्पू जी की वेबसाइट से खरीद लो, चाहे फिर दुबे जी की वेबसाइट से खरीद लो, चाहे अमेजोन से खरीद लो, चाहे फ्लिपकार्ट से खरीद लो, आपको हर जगह 5% का ये कैशबैक दे रहा है। तो ये एक इसका यूनिक आप कह सकते हो कि एक अच्छा ऑप्शन है, और मेजर लोग इंडिया के जो हैं वो 10,000 रुपये मेरे हिसाब से खर्च नहीं करते। अब इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के जो दूसरे फीचर्स हैं वो एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस भी ये दे रहा है, और सबसे अच्छी बात इस क्रेडिट कार्ड की ये है कि कोई ज्वाइनिंग फीस ही नहीं है। और इसके अलावा ज्वाइनिंग फीस नहीं है लेकिन एनुअल फीस 999 रुपये ये क्रेडिट कार्ड चार्ज करता है, और वो माफ़ की जा सकती है अगर आप 2,00,000 रुपये एनुअली स्पेंड करते हो। तो 2,00,000 रुपये एनुअली स्पेंड करोगे तो ये फीस माफ़ हो जाएगी, अदरवाइज एनुअल फीस 999 रुपये लगेगी, लेकिन ज्वाइनिंग फीस एक साल तक तो कोई भी पैसा नहीं देना। अब यहाँ पर आपको 4 एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस मिलेंगे साल के, और फ्यूल सरचार्ज वेवर ये तो बहुत कॉमन ही है जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी इस क्रेडिट कार्ड की। तो एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस भी हो गए, कैशबैक भी हो गया। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू SBI के साल 2023 के कौन से क्रेडिट कार्ड्स बेस्ट हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।